नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव विश्व भारती शांति निकेतन से NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। शिक्षार्थियों, आज हमारी चर्चा का विषय होगा शिक्षण अधिगम संसाधन प्रबंधन। इस चर्चा पर परिचर्चा करने के लिए हमने आज डॉक्टर सुभाष मिश्रा सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय गैंगटॉक को आमंत्रित किया है। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर सुभाष मिश्रा की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। डॉक्टर मिश्रा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं। इन महत्वपूर्ण बातों में शिक्षण अधिगम संसाधन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर हमारे शिक्षार्थियों को आप कुछ विस्तार से बताएं। धन्यवाद डॉक्टर श्रीवास्तव। शिक्षण अधिगम संसाधनों का प्रबंधन, इस विषय पर जो परिचर्चा हम करेंगे उसमें हम तीन बिंदुओं पर विचार करेंगे आज। पहला जो बिंदु होगा वह है शिक्षण अधिगम संसाधनों का संग्रहण, तैयारी एवं संरक्षण। दूसरा, शिक्षण अधिगम संसाधनों का उपयोग एवं रखरखाव। और तीसरी बात हम करना चाहेंगे वो ये कि शिक्षण अधिगम संसाधन स्थल का उपयोग कैसे हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने एवं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हम विभिन्न विधियों, प्रविधियों एवं संसाधनों का उपयोग करते हैं। विभिन्न अवधारणाओं को बोधगम्य बनाने तथा अधिगमकर्ता की समझ को विकसित करने में शिक्षण अधिगम संसाधन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। शिक्षक अपनी कक्षा में जब प्रवेश करता है तो वह विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास करता है, अपनी विधियों के माध्यम से, प्रविधियों के माध्यम से। वह संप्रत्ययों का बोध विद्यार्थियों तक कराने का प्रयास करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वह कई बार कुछ सामग्रियों का उपयोग करता है जिन्हें हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। ये शिक्षण सहायक सामग्री विद्यार्थियों को जो विषय वस्तु प्रस्तुत की जा रही है उसका बोध कराने में मदद करती है। शिक्षण अधिगम संसाधन उन समस्त सामग्रियों का एक संकलन है जो हमारे विद्यार्थियों को जो अवधारणाएं हैं उनके साथ जोड़ता है, जो ज्ञान है, जो विचार है उसके साथ जोड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि विद्यार्थी के समक्ष जब कोई विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है और वह अमूर्त रूप में होती है तो उसे कम समझ में आती है, उसकी अवधारणा, उसे ग्रहण करने में समय लगता है। जबकि अगर वह मूर्त रूप में है तो वह आत्मसात करने में उसे काफी आसानी होती है। शिक्षण संसाधन, शिक्षण अधिगम संसाधनों का उपयोग हमें यह अवसर उपलब्ध कराता है कि हम विद्यार्थियों को मूर्त रूप से उन संप्रत्ययों, अवधारणाओं और विचारों को का बोध करा सकें। डॉक्टर मिश्रा, हमें यह बताइए, शिक्षण अधिगम संसाधन का जो उपयोग हम करते हैं तो इनके उपयोग में समस्याएं क्या क्या हैं? जी डॉक्टर साहब, ये जानते हुए भी कि शिक्षण अधिगम संसाधन कितने महत्वपूर्ण हैं, हम अनेकों बार ऐसी परिस्थितियों का अनुभव करते हैं कि शिक्षण अधिगम संसाधन का हम उपयोग नहीं कर पाते कक्षा में। उसके कई कारण हैं। जब हम गंभीरता से विचार करते हैं तो पाते हैं कि अनेकों ऐसे कारण हैं जो हमें संसाधनों के उपयोग से वंचित करते हैं। जैसे सबसे जो अहम कारण हमने महसूस किया, देखा है, वो ये है कि कक्षा में शिक्षण अधिगम संसाधन उपलब्ध नहीं होते, या कई बार उपलब्ध तो होते हैं किंतु कम संख्या में उपलब्ध होते हैं। विषय का अध्यापन करने के लिए जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में आवश्यकता के अनुरूप संसाधन उपलब्ध ना हो पाना एक बहुत बड़ा कारण है उपयोग ना कर पाने का। जो दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण दिखाई देता है वो यह है कि कई बार संसाधन तो बहुत उपलब्ध हैं, यहां तक कि जो संसाधन केंद्र है उसमें भी बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन प्रासंगिक और उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री या संसाधन उपलब्ध नहीं है। विषय को सीधे सीधे प्रस्तुत करने के लिए, या यूं कह लें कि विषय को विद्यार्थी से जोड़ने के लिए जिस प्रासंगिक सहायक सामग्री की जरूरत है
वह जब जरूरत है तब उपलब्ध ना हो पाना, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी जो एक समस्या देखने में आती है वो ये कि संग्रहित अनेकों संसाधन हैं, विशाल संग्रह है हमारे पास संसाधनों का, लेकिन जब उसके उपयोग का अवसर आता है तब उपयुक्त और प्रासंगिक संसाधन का तत्समय चयन नहीं कर पाते। अनेकों संसाधनों के उपलब्ध होने के बावजूद कौन सा संसाधन उस समय ज़्यादा विद्यार्थी के लिए उपयुक्त होगा, विद्यार्थी के स्तर को देखते हुए, विषय वस्तु के स्तर को देखते हुए, विषय वस्तु के प्रकृति को देखते हुए, यह एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। तीसरी जो एक अगली बात है वो ये कि कई बार शिक्षक पाठ्यक्रम को जल्दबाजी में समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम को समाप्त करने का एक उनके ऊपर दबाव भी होता है। ऐसी स्थिति में उनके पास पाठ्यक्रम को सीधे सीधे समाप्त करना एक चुनौती भरा कार्य होता है, तब जब वह संसाधनों का उपयोग करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार शिक्षक शिक्षण सहायक संसाधनों को इग्नोर करने लगते हैं, उनकी उपेक्षा करने लग जाते हैं। एक और बात है कि अक्सर यह धारणा है कि शिक्षण अधिगम संसाधन अधिक समय और ऊर्जा की मांग करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि शिक्षक और यहाँ तक कि जो प्रशासक हैं वह भी यह मानते हैं कि जब हम शिक्षण सहायक सामग्रियों और संसाधनों का उपयोग कक्षा में करते हैं तो पाठ को समय से समाप्त करना और साथ ही साथ समय के साथ पाठ्यक्रम को पूर्ण करना एक चुनौती भरा कार्य होता है। ये बहुत सारे कारण हैं जो शिक्षण अधिगम संसाधन को एक उपयोग को सीमित करते हैं। ये सभी जो कारण हैं वो संसाधनों के संग्रहण, रखरखाव और उपयोग के समुचित नियोजन एवं प्रबंधन के अभाव का संकेत देते हैं, क्योंकि अगर हम इनका समुचित नियोजन और प्रबंधन कर लें तो शायद ये जो समस्याएं हम लोगों ने अभी जिनकी बात की ये शायद काफ़ी कम हो जाएं। शिक्षण अधिगम संसाधनों का जो प्रबंधन है ये हमें अवसर देता है कि पर्याप्त मात्रा में शिक्षण अधिगम संसाधनों का संग्रहण करके उन्हें आवश्यकता के अनुसार उपयुक्तता और प्रासंगिकता के अनुरूप उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरस, सुबोध और प्रभावी बनाया जा सके। शिक्षण अधिगम संसाधन का अगर उचित रूप से, समुचित रूप से प्रबंधन कर लिया जाए तो जो उनके उपलब्धता से जुड़ी हुई समस्या है, जो उनका तत्समय उपलब्ध न हो पाने वाली समस्या है, या यूं कह लें कि जो उनका समय अधिक लगने की समस्या है, ऊर्जा अधिक लगने की समस्या है, उससे काफ़ी कुछ निजात पाई जा सकती है और शायद शिक्षण संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो संग्रह कर रहे हैं, ये जो संग्रह, क्या इसको शौक के रूप में विकसित किया जाना भी लाभप्रद होगा? बात शौक की करें उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शिक्षण अधिगम संसाधनों का जो प्रबंधन है वो तीन स्तरों पर किया जा सकता है। इसको तीन स्तरों पर करने की आवश्यकता है। पहला, शिक्षण अधिगम संसाधनों का संग्रहण, विकास एवं संरक्षण तथा कक्षीय शिक्षण से पूर्व उनकी आवश्यकता एवं प्रासंगिकता के अनुरूप व्यवस्था। दूसरा, कक्षीय शिक्षण की अवधि में आवश्यकता एवं प्रासंगिकता के अनुरूप उपयोग। तीसरे, कक्षीय शिक्षण में उपयोग के पश्चात शिक्षण अधिगम संसाधन का उचित संरक्षण, जिससे भविष्य में पुनः उनका उपयोग किया जा सके। अब बात करते हैं पहले शिक्षण अधिगम संसाधनों के प्रबंधन की, तब हम बात करेंगे कि किस तरह से उसका शौक से उसका क्या संबंध रहेगा। शिक्षण अधिगम संसाधनों के प्रबंधन का जो पहला मुख्य बात है, मुख्य मुद्दा है, वो है संग्रहण। संग्रहण कैसे? अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में उपलब्ध यथार्थ वस्तुओं, जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका शिक्षण अधिगम संसाधन के रूप में संग्रहण किया जा सकता है, जो कि कक्षीय शिक्षण में प्रयोज्य हों। इसके अतिरिक्त अपने आस पड़ोस के विभिन्न स्थलों से शिक्षण अधिगम संसाधनों का संग्रहण किया जा सकता है, जैसे विभिन्न प्रकार की चट्टाने, खनिज, मिट्टियाँ, अनाज, भिन्न भिन्न क्षेत्रों की वनस्पतियाँ, तस्वीरें इत्यादि, जिन्हें हम अपने संपर्क के लोगों के माध्यम से एकत्र कर सकते हैं।
ये अभी आपने जो बात कहा कि क्या इसे शौक के रूप में विकसित किया जा सकता है और ये विद्यार्थियों में क्या इसके प्रति प्रेरणा जागृत की जा सकती है, अध्यापकों में इसके प्रति प्रेरणा जागृत की जा सकती है, तो मैं यह मानता हूँ कि निश्चित रूप से विद्यार्थियों की सहभागिता से संग्रह को शौक के रूप में विकसित और संरक्षित किया जा सकता है। इसके कई फायदे भी हैं, जब आपने पूछा तो मैं इस पर और विस्तार से बात करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संग्रह को शौक के रूप में विकसित करना विद्यार्थियों के स्वस्थ मानसिक विकास में सहायक होता है, साथ ही उनकी प्रकृति के ये अनुरूप भी है। आप बचपन को याद करिए तो आप पाएंगे कि बचपन में हम आप भी और छोटे छोटे बच्चे अपनी जेब में छोटी छोटी चीज़ें, जिन्हें हम वयस्क लोग खराब चीज़ें या फालतू की चीज़ें कह लिया करते हैं, बेकार की चीज़ें कह लिया करते हैं, जेब में रख करके और उनका संग्रह किया करते हैं। यह जो छात्रों का शौक है उसे विकसित करने के लिए किसी भी चीज़ से संग्रह की शुरुआत की जा सकती है जो उनको पसंद हो, जो उनके जिसमें उनकी रुचि हो, जैसे डाक टिकट, मुद्राएं, तस्वीरें, प्रसिद्ध व्यक्तियों या घटनाओं के चित्र, पत्थरों, खनिजों, अनाजों, फूलों, पत्तियों, कविता, कहानी, पुस्तक और क्या नहीं। आनंद संसार है। और जब हम बाल मन को देखते हैं और बच्चे को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह उसकी नैसर्गिक विशेषता है, या ये कह लें कि यह उसकी प्रकृति में निहित है। हमारे बचपन में हमने भी यही किया और आज भी हम बच्चों को यह करते हुए देखते हैं कि वे अपने बस्ते में अनेकों चीज़ें, पुरानी चीज़ें, नई चीज़ें संभाल कर रखते हैं, सजो कर रखते हैं, जिन्हें हम लोग कबाड़ कह देते हैं। और शायद उनकी सृजन शक्ति को, उनकी इस प्राकृतिक शक्ति को उनकी हम अवहेलना कर देते हैं, जिसे शायद हमें अधिक पोषित करने की जरूरत है। यहाँ तक कि इन्हीं संग्रह की वस्तुओं से विषय क्षेत्र संबंधी तथ्यपरक थीमेटिक लेख भी विकसित किया जा सकता है। उनके पाठ्यक्रम के कई विषय वस्तुओं को बड़ी ही सहजता से, सरलता से उनके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें उनकी स्वयं की सहभागिता होगी। तो ऐसे में वे स्वयं जब सहभागी होंगे तो उनका अधिगम अच्छा होगा और साथ ही साथ प्रेरणा, ऊर्जा और उनकी प्रकृति के साथ जुड़ाव के साथ उनका अध्ययन होगा, शिक्षण होगा। संग्रह की हुई चीज़ों, संग्रह की प्रक्रिया में हुए अनुभवों, इन पर छात्रों को लेख लिखने के लिए दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस उनकी खूबी का, या कह लें उनकी इस प्राकृतिक शक्ति का, संग्रह की शक्ति का, संग्रह की प्रकृति का हम उपयोग करके हम शिक्षण सहायक सामग्रियों, संसाधनों का एक ऐसा भंडार एकत्रित कर सकते हैं जो शायद उन्हें आगे चल करके विषय के साथ और अधिक आसानी से जोड़ दे, जिसे हम बहुत कोशिश करके कृत्रिम वातावरण उपस्थित करके भी नहीं कर पाते। शिक्षण अधिगम संसाधनों के संग्रहण में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसमें सबसे खास बात यह है कि प्रायः हम पाते हैं कि दो तरह के संसाधन होते हैं। एक टिकाऊ, जिन्हें हम आज भी रखें और कल भी, आपने एक पेन रखी तो आज भी उपयोग होगी और कल भी उपयोग हो सकती है, आपने एक सिक्का रखा वो आज भी उपयोग हो सकता है और कल भी उपयोग हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सामग्री हैं जो बड़ी जल्दी खराब हो जाती हैं, जिन्हें हम क्विकली पेरिशेबल आइटम्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं, जैसे फूल, पत्तियाँ, सब्जियाँ, ये कुछ ही क्षण बाद या कुछ ही समय बाद खराब हो जाती हैं। तो जब हम संग्रह करें तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वह आइटम, वह जो सामान है, वह सामग्री है, वह किस वर्ग की है, किस श्रेणी की है, क्योंकि हमें उसी के अनुरूप उनको उन वर्गों में रख करके, समझ करके फिर हमें संग्रहित करना होगा, जिससे कि हमें यह पता हो कि जो स्थायी टिकाऊ हैं उनका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, और जो स्थायी नहीं है, जो टिकाऊ नहीं है, जो जल्दी नष्ट हो जाने वाली चीज़ें हैं, उनको उनकी समयावधि के भीतर ही उनका अधिक से अधिक हम उपयोग कर सकें। तो डॉक्टर साहब, ये हमारे शिक्षार्थियों को बताइए कि जो शिक्षण अधिगम संसाधन है उनके निर्माण की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हम संग्रह कर रहे हैं, संग्रह की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, उनके निर्माण की जरूरत क्यों पड़ती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कई बार जो एकत्रित सामग्री हमने की, या हमने बाजार से जो सामग्री खरीद के हमने एकत्रित की,
वह प्रासंगिक नहीं होती। ऐसी स्थिति में अपनी कक्षा और विषय वस्तु दोनों की आवश्यकता के अनुसार उसे तैयार करना पड़ता है। जब हम बाजार से या पहले से रखी हुई जो संग्रहित सामग्री है उससे हम विषय को जोड़ नहीं पाते या महसूस करते हैं कि वह हमारी भावनाओं विचारों को विद्यार्थी तक अंतरित करने में सफल नहीं हो पा रहा है, तो हमें जरूरत होती है कि उस विषय वस्तु की मांग के अनुरूप और छात्र के स्तर की मांग के अनुरूप हम सामग्री का विकास कर लें। एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं इस पर। जैसे यदि आप इतिहास विषय में आर्यों के समय के प्राचीन इतिहास का शिक्षण कर रहे हैं तो उनकी जीवन शैली का बोध कराने के लिए आपको शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता होगी जिससे परिचर्चा जीवंत हो सके। इसके लिए अब आपको शिक्षण अधिगम सामग्री आपको विकसित करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि शायद संभव है कि इस विषय के लिए आपको शिक्षण अधिगम सामग्री बनी बनाई ना मिल सके। ऐसे अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं जब आप पाएंगे कि विषय वस्तु के अनुरूप और कई बार छात्र की आवश्यकता के अनुरूप छात्र के स्तर के अनुरूप कक्षा स्तर के अनुरूप विषय वस्तु उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ती है। जब हम इन सामग्रियों का निर्माण करने की बात करते हैं तो कई तरह की चीज़ें आती हैं। अक्सर शिक्षकों को शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा और विषय वस्तु की आवश्यकता के अनुसार आपने देखा होगा फ्लैश कार्ड, संख्या कार्ड, अक्षर कार्ड, कागज़ और थर्मोकॉल, मिट्टी लकड़ी आदि के प्रतिरूप, चार्ट, ग्राफ, तस्वीरें, खिलौने आदि आपने देखा होगा कि तैयार करते हैं, बनाते हैं और उनका हम उपयोग करते हैं। अब तो सर्व शिक्षा अभियान और अन्य अनेक योजनाओं के द्वारा अनुदान देकर विद्यालयों में शिक्षण अधिगम संसाधन को विकसित करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही वांछित शिक्षण अधिगम सामग्री या संसाधनों की सूची और उनकी संभावित वांछनीय संख्या का निर्धारण करके और उनका उपयोग करने के लिए पहले से ही हम उनकी तैयारी कर लेते हैं। पर्याप्त संख्या में निर्माण सामग्री जैसे कि विभिन्न प्रकार के कागज, ड्राइंग शीट, कार्डबोर्ड, पेंट, विभिन्न प्रकार के रंग, मिट्टी, थर्मोकोल शीट, गोंद, स्केल, नापने वाला टेप, कैंची, रेती, काटने के औजार इत्यादि विभिन्न उपकरण और सामग्री की जरूरत पड़ती है। इनको भी हमें अपने संसाधन केंद्र में रखना चाहिए जिससे कि जब हमें ज़रूरत हो तो अपनी आवश्यकता के अनुरूप हम उनको तैयार कर सकें। अक्सर आप पाएंगे कि ये सामग्रियाँ उपलब्ध होने पर विद्यार्थियों की सहभागिता से विद्यार्थियों के साथ मिलकर के हम सामग्री का निर्माण कर लेते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में कुछ ध्यान रखने वाली बातें भी हैं जिन पर हम चाहेंगे कि आपसे हम साझा करें विचार। जब आप शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करने की योजना बना रहे हों तो ध्यान रखें कि वह टिकाऊ हो, स्थायी हो और जिसका कई तरीके से और कई विषयों में या कई विषय वस्तुओं में उपयोग किया जा सके। जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था कि यह एक आक्षेप अक्सर लगता है कि यह समय साध्य है, ऊर्जा साध्य है, खर्चीली है, तो अगर इसका ध्यान रखेंगे तो एक उस समस्या का हम काफ़ी हद तक समाधान प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन यह कोई एक निश्चित मापदंड नहीं है, कई बार जरूरत के अनुरूप हम अपने कई तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, छात्रों द्वारा तैयार किए गए शिक्षण अधिगम संसाधनों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे छात्रों में प्रोत्साहन, नवाचार और सृजनात्मकता की अभिवृद्धि हो। जब हम उनमें इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तो विद्यार्थी बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, अपने अंदर छिपे हुए प्रतिभा को प्रदर्शित करता है और साथ ही साथ एक उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां अन्य विद्यार्थियों के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को देखने का, समझने का अवसर मिलता है। तो यह एक सहभागी और सहयोगी प्रवृत्ति को भी विकसित करता है और संसाधनों को समृद्ध करता ही करता है। इसके साथ साथ एक बात और भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिभाशाली छात्रों, कुशल सहयोगी और स्थानीय कारीगरों, इनकी भी पहचान करनी चाहिए।
क्योंकि आपको तत्काल निर्माण करना है शिक्षण अधिगम सामग्री का, संसाधन का। तो कई बार आप पाएंगे कि आपकी ही कक्षा में कई ऐसे प्रतिभाशाली छात्र होते हैं जो शिक्षण अधिगम संसाधन के लिए जो सामग्री है उसका निर्माण करने में बड़े निपुण होते हैं, उनकी आर्ट अच्छी है, उनमें कुछ और तरह के कौशल हैं, मिट्टी का काम अच्छा बना लेते हैं, मिट्टी के खिलौने अच्छे बना लेते हैं, या विभिन्न प्रकार के उनमें कौशल होते हैं। तो ज़रूरत यह इस बात की है कि हम ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों, और कई बार हमारे सहयोगियों में भी ऐसे सहयोगी मिलेंगे, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, अपने सहयोगियों में ही ऐसे सहयोगी मिल जाते हैं जिनमें कुछ ऐसे कौशल छिपे हुए होते हैं कि अगर उनका हम उपयोग कर लें तो शायद हमें बाजार के सामग्री पर निर्भर रहने की कम आवश्यकता पड़ेगी। एक बात और कहना चाहूँगा कि स्थानीय कारीगरों को भी शामिल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो वह स्थानीय कारीगर सांदर्भिक परिवेश से जुड़े हुए होते हैं और हमें आसानी के साथ कम समय में, क्योंकि हमारे पास समय की समस्या होती है, उतना हम समय शिक्षक होने के नाते नहीं दे पाते, तो उनसे हम मदद दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने हमें प्रबंधन के बारे में बात की, संग्रहण के बारे में बात की, निर्माण के बारे में बात की, तो इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में जब हमने प्रबंधन भी कर लिया, संग्रहण भी कर लिया और संसाधनों का निर्माण भी कर लिया, खास करके संग्रहण और निर्माण की जब बात कर ली, तो फिर इसके संरक्षण और भंडारण की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस संरक्षण और जो भंडारण होगा, संरक्षण होगा, उस पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि बना लिया, एकत्रित कर लिया, बना भी लिया, अब हमारे पास भंडार आ गया, सामग्री आ गई, तो भंडारण की समस्या आएगी, और साथ ही साथ जब सामान इकट्ठा हो गया तो उसको संरक्षित करने की भी समस्या होती है, क्योंकि बना करके इकट्ठा करना तो आसान है लेकिन वह आगे भी उपयोग में आता रहे इसके लिए संरक्षित करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमें अधिक से अधिक शिक्षण संसाधनों के संग्रह, संरक्षण और भंडारण की आवश्यकता है, इसलिए एक बार तैयार या एकत्रित शिक्षण अधिगम संसाधन को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित कर सकें। अब उचित संरक्षण के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले संरक्षण स्थल कक्षा के अंदर या कक्षा के नज़दीक हो, जिससे आसानी से उपलब्ध हो सके। अगर यह कक्षा के अंदर या कक्षा के नज़दीक नहीं है तो कई बार भंडारण तो रहता है लेकिन जब ज़रूरत हुई तब कक्षा के समय कक्षा के अंदर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो पाना, यह एक अपने आप में एक बड़ी समस्या बन जाता है। दूसरी बात, संसाधनों को श्रेणियों में व्यवस्थित करके उचित स्थान पर रखना, जैसे चार्ट, तस्वीरों, मॉडल आदि को अलग अलग विषय और विषय वस्तुवार व्यवस्थित करना, क्योंकि कई बार सामग्री उपलब्ध होती है, कक्षा में शिक्षक जाने को तत्पर है, किंतु सामग्री समय पर उपलब्ध हो पाना अपने आप में एक समस्या बन जाती है। उस ढेर में कई बार ऐसा ना हो कि वह जो हमारा संसाधन गृह है वह कहीं एक भंडार गृह केवल मात्र न बनकर रह जाए बल्कि वह संसाधन केंद्र बन के रहे, इसलिए जरूरी है कि हम उनको विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित करके कौन सी चीज़ खराब होने वाली है, कौन सी चीज़ लंबे समय तक रखी जा सकती है, और उनको उनकी उपयोगिता के आधार पर कक्षावार, यहाँ तक कि उनके विषय वस्तु के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं। जैसे बीजों, अनाजों, पत्थरों, खनिजों, इनको अलग अलग पैकेट में उनकी श्रेणी के अनुरूप रखा जा सकता है, नहीं तो शायद वो उसमें ढेर में गायब हो जाएंगे, खो जाएंगे। उपयोग के आधार पर संसाधनों को अलग अलग रखना, जैसे बहुधा उपयोग वाले, कदाचित उपयोग वाले, विशेष अवसरों वाले। कई बार आप पाएंगे कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम केवल कदाचित करते हैं, साल में एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तो ऐसी सामग्री को पीछे रखा जाए, ऐसी जगह रखा जाए जहां उनका जब जरूरत हो तब उनकी उपलब्धता हो सके। कुछ सामग्रियां ऐसी होती हैं जिनका आप पाएंगे कि प्रायः कक्षा में उपयोग होता रहता है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। एक बात और है कि जिस आलमारी या रैक में हम संसाधनों को संरक्षित कर रहे हैं वह छात्रों की पहुंच में हो, अगर वह उनकी पहुंच से परे है तो कई बार हम उनके उपयोग से वंचित हो जाते हैं। संरक्षण व्यवस्था ऐसी हो जिससे वह जल्दी नष्ट ना होने पाएं, क्योंकि अगर जल्दी नष्ट हो गए तो हमने जो संसाधन बनाने में ऊर्जा खर्च की, समय खर्च किया, वह पीछे रह जाता है। अब मैं कुछ मुद्दों की बात करूँगा इनके उपयोग से जुड़े हुए। अक्सर आप पाएंगे कि एक समस्या है,
शिक्षण अधिगम संसाधनों का यदा कदा ही उपयोग हो पाता है, यह अक्सर बात कही जाती है कि यदा कदा ही उपयोग हो पाता है। प्रायः शिक्षण अधिगम संसाधन केवल प्रदर्शन तक सीमित हैं और शिक्षण अधिगम संसाधन केवल विद्यालय संसाधन केंद्र के स्टॉक की विषय वस्तु हैं, ऐसा अक्सर आक्षेप लगता है, या कह लें कि छात्रों के प्रयोग से दूर हैं, उनकी सक्रिय सहभागिता से वंचित हैं। जबकि जितना ही छात्र शिक्षण अधिगम संसाधन का कुशलता के साथ प्रयोग करेंगे उतना ही अधिगम अधिक निष्पत्तिपूर्ण होगा। तो इसके लिए मैं कुछ सुझाव की बात करूंगा रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि छात्रों के मुक्त उपयोग हेतु पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरे, किसी विषय के लिए पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षण अधिगम संसाधनों के उपयोग की योजना बना लेनी चाहिए, जिसे कब प्रदर्शन होना है, कब समूह कार्य के साथ होना है, कब व्यक्तिगत कार्य के साथ होना है, इसकी योजना बनी हुई हो जिससे कि उसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। जल्दी खराब होने वाले शिक्षण अधिगम संसाधनों की स्थानीय रूप से उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्योंकि वे पहले से सुरक्षित नहीं हैं, तो जब जिस दिन जरूरत पड़े उस दिन वह उपलब्ध हो सकें। टिकाऊ शिक्षण अधिगम संसाधनों की विद्यालय के संसाधन केंद्र में उपलब्धता सुनिश्चित रहे, ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कक्षा के भीतर छात्रों का समूह बनाना जो संग्रहण, तैयारी एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी हों, क्योंकि उनमें तभी नेतृत्व की क्षमता आएगी, अन्यथा शिक्षक अगर उपयोग करेगा तो शायद नेतृत्व की क्षमता और उनमें सहभागिता की बात नहीं आ पाएगी। उचित रखरखाव और उपयोग के लिए शिक्षण अधिगम संसाधनों के का ब्यौरा, स्टॉक बुक भी रखनी चाहिए, जिससे कि हम उनका उपयोग कर सकें। शिक्षण अधिगम संसाधनों का उचित रखरखाव के लिए संसाधनों का वर्गीकरण करके उनके संरक्षण का प्रबंध करना, यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कक्षा के भीतर कई बार ऐसी जगह बनाना जिसे हम शिक्षण अधिगम कोना कहते हैं, जो एक तीसरी बात मैंने शुरू में कही थी कि मैं तीसरी बात भी करूंगा, शिक्षण अधिगम कोना या कक्षा, शिक्षण अधिगम कोना कक्षा के अंदर बनाना, या अगर कक्षा के अंदर संभव नहीं है तो विद्यालय के भीतर ही कक्षा के आसपास बनाना, जिससे कि जब छात्र जरूरत समझें, जब शिक्षक जरूरत समझें, तो वहां तक पहुंच करके और उसका उपयोग कर सकें। कई बार हमें कक्षा के पीछे जगह मिल जाती है तो उसको हम कक्षा के पीछे भी बना सकते हैं, अन्यथा जहां भी जगह मिल जाए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये हमने एक चित्र आपके सामने दिखाया है, एक शिक्षण अधिगम संसाधन का कक्ष है जिसमें एक कोने में सारी सामग्री रखी हुई है। तो इस तरह से हम इनका भंडारण और संरक्षण करके हम एक इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज जो तीन बातें रखी हैं आपके सामने कि इनका संग्रहण, तैयारी और संरक्षण, और दूसरी बात इनका उपयोग और रखरखाव कैसे हो, और तीसरा जो विद्यालय के भीतर उनके लिए एक जगह देना, शिक्षण अधिगम स्थल तय करने की बात कही। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा, आपने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से शिक्षण अधिगम संसाधन के प्रबंधन की बात करी, और इस पूरी चर्चा में आपने शिक्षण अधिगम संसाधन के उपयोग पर चर्चा की, उनके उपयोग में समस्याएं क्या हैं उस पर चर्चा की, शिक्षण संसाधनों के अधिगम के जो संसाधन हैं उनका प्रबंधन किस तरह से किया जाए इस पर चर्चा की, और इस दौरान होने वाला जो संग्रह है उसको कैसे स्टॉक में बदला जाए इस पर भी आपने चर्चा की। शिक्षण अधिगम संसाधनों संग्रहण के अलावा शिक्षण अधिगम संसाधनों के निर्माण की ज़रूरत क्या है, कैसे निर्माण किया जाए उस पर भी आपने चर्चा की, और निर्माण, संग्रहण और प्रबंधन के साथ ही साथ आपने ये भी चर्चा की शिक्षण अधिगम संसाधनों के संरक्षण और उनके भंडारण के लिए आपने बहुत ही व्यवस्थित रूप से चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि शिक्षार्थियों के लिए आपकी चर्चा काम आएगी और उनको इससे मदद मिलेगी। धन्यवाद।